मेरे हिसाब से कहीं कहीं पे भी गलती है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि एक आर्टिस्ट को काम देने में कहाँ पे कौन सा कोई, जब हम इवन टू, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब हम किसी बंदे को इलेक्शन में चुनते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि एक बंदा, सिर्फ एक बंदा जा रहा है और एक बंदे की वोट की वजह से ही एक जो इलेक्शन है वो चुना जाता है। वो पूरा वहाँ पे एक पूरा स्टेट का या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट में कोई बंदा, हर बंदा वोट डालता है। ऐसे ही है यहाँ पे, कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई इलेक्शन में चुना जाएगा या कोई ऐसा, मेरे हिसाब से किसी को फेवरेटिज्म हुआ जाए कुछ ऐसा। तो मेरे हिसाब से ये तो सरकार को देखना चाहिए कि आपके पास कितने आर्टिस्ट हैं, कैसे आपके पास कितने बड़े बड़े फोक आर्टिस्ट हैं, कौन कौन आपके, जैसे मैं नाम गिनाऊं तो कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हिमाचल का नाम रोशन किया है। लेकिन सरकार वहाँ पे कभी पूछती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ऑडियंस की नहीं। ऑडियंस तो चाहती है कि हम, जिन्होंने हमें बनाया तो वो हमें डेफिनेटली लाइव सुने। लेकिन अभी प्रॉब्लम आई थिंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में आती है, या कोई दिक्कत की वो कभी आगे प्रमोशन ही नहीं करना चाहते, या हिमाचल के लोगों को काम नहीं देते हैं तो कभी नहीं। क्योंकि मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हज़ारों सैकड़ों ऐसे और कलाकार हैं जिनकी शायद रोजी रोटी संगीत पे चलती है। ऐसे उनको आस रहती है कि हम मंडी में परफॉर्म करें, समर फेस्टिवल में परफॉर्म करें, कुल्लू दशहरा में परफॉर्म करें, ऐसे हज़ारों अनगिनत शोज हैं मैं बता सकता हूँ। क्योंकि अगर एक एक आर्टिस्ट, हिमाचल के आर्टिस्ट को सिर्फ हिमाचल में काम मिल जाए ना, तो वो शायद उसका पूरा एक सफल हो जाएगा जीवन। इतना काम है हिमाचल में, लेकिन देते नहीं है हिमाचल। लेकिन मैं तो फिर एक बार ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक बार तो नहीं बोलूंगा मैं, कई बार मैंने रिक्वेस्ट करी कई बार कि आप प्रमोट करें, लेकिन वो सुनते ही नहीं है। लेकिन अब मैं किसी से नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन जितने दर्शक हैं उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि प्लीज इस मुद्दे को भी आप इसको उठाएं कि एक कलाकार सिर्फ आपके प्यार की वजह से उसका काम चलता है। तो अगर आप ही प्यार देंगे तभी सरकार तक ये आवाज़ पहुंचेगी। तो डेफिनेटली आप प्लीज़ सरकार तक ये आवाज़ पहुंचाएं कि जितने आर्टिस्ट हैं एटलीस्ट उन्हें अपने घर में काम मिले।